माँ का जन्मदिन मना रहे हैं करण जौहर। 81वें बर्थडे पर विश करते हुए हो गए इमोशनल। उनके जुड़वा बच्चे को संभालती हैं हीरू जौहर। करण के बेटे बेटी को नहीं महसूस होने देती माँ की कमी। जी हाँ, 81 साल की हो गई हैं करण जौहर की माँ हीरू जौहर, लेकिन अभी भी करण के बच्चों की कर रही हैं देखभाल। दो जुड़वा बच्चों के सिंगल पेरेंट हैं करण, तो हीरू निभा रही हैं यश और रूही की माँ का असल जिंदगी में किरदार। आज 18 मार्च को करण की माँ का 81वां जन्मदिन है, तो करण ने भी सोशल मीडिया पर हीरू को खास अंदाज में विश किया है। पहली तस्वीर में वो अपनी माँ को किस करते हुए नजर आ रही हैं, तो दूसरी तस्वीर में हीरू अपने पोता यश और पोती रोही के साथ पोज दे रही हैं। इसके साथ ही करण ने लंबा चौड़ा कैप्शन भी शेयर किया। चलिए हम आपको हीरू जौहर की जिंदगी के कुछ खास किस्से बताते हैं। हीरू जौहर निर्माता निर्देशक करण जौहर की माँ है और वो ही करण के दोनों जुड़वा बच्चों को पाल रही हैं। करण ने कभी शादी नहीं की और वो सरोगेसी के जरिए साल 2017 में ट्विंस के पिता बने। बेटे यश का नाम उन्होंने पिता के नाम से रखा और बेटी रूही का नाम माँ हीरू के नाम को उल्टा करके रखा। करण वैसे तो काफी अच्छे पिता हैं और सिंगल पेरेंट के तौर पर बच्चों की देखभाल करते हैं, लेकिन हीरू अपने पोता पोती की परवरिश एक माँ की तरह करती है। वो करण और उनके बच्चों के साथ रहती है। जुड़वा बच्चों की जिंदगी में वो एक माँ का ही रोल निभा रही है। हीरू करण की माँ होने के साथ साथ दिग्गज निर्माता निर्देशकों पीआर चोपड़ा और यश चोपड़ा की बहन भी हैं। हीरू का फिल्मों से खास नाता शुरू से रहा है, लेकिन ये अंदाजा उन्हें भी नहीं था कि वो किसी फिल्मी परिवार की बहू बनेंगी। अपने बेटे करण को भी वो फिल्मों से दूर ही रखना चाहती थी, लेकिन असल जिंदगी में कुछ और ही हुआ। करण जौहर अपने पिता यश जौहर की धर्मा प्रोडक्शंस को शिखर पर लेकर गए और उनके इस काम में उनकी माँ हीरू जौहर का बहुत ही योगदान रहा है। हीरू जौहर चाहती थी कि करण फिल्मों के बजाय कोई स्थिर नौकरी कर ले। उनका मानना है कि फिल्में किसी के लिए पेशा नहीं हो सकती हैं। इस बात का खुलासा करण जौहर ने खुद ही एक इंटरव्यू के दौरान किया था। करण जौहर ने कहा था, मेरी माँ मेरे फिल्म व्यवसाय का हिस्सा बनने के सख्त खिलाफ थी, क्योंकि पिताजी को कई बार असफलता मिली और फिल्में नहीं चली। इसलिए मेरी माँ चाहती थी कि कोई नौकरी कर लूं जहाँ से एक स्थिर वेतन मिलता रहे। यश जौहर और हीरू की लव स्टोरी की बात करें तो यश जौहर से हीरू की पहली मुलाकात रेस कोर्स में हुई थी। हीरू को रेस का बहुत शौक था और हर रविवार को वो रेस कोर्स जाया करती थी। हीरू को देखते ही यश 3 दिन तक उनके पीछे पड़े रहे थे। उनकी मुलाकात के कुछ ही दिन बाद हीरू का जन्मदिन आने वाला था। यश जौहर ने इस मौके पर बांद्रा पाली हिल के भल्ला हाउस में शानदार पार्टी दी और शादी के लिए प्रपोज किया। भल्ला हाउस में तमाम बड़ी हस्तियां पहुंची। सबके सामने यश जौहर ने हीरू को शादी के लिए प्रपोज किया और वह समझ नहीं पाई कि क्या जवाब दे। हीरू ने बस इतना कहा कि तुम्हें मेरे पिता से बात करनी होगी। यश जौहर इसके बाद उनके पिता के पास गए और बिना किसी ज्यादा परेशानी के उन्हें मना लिया। उसी भल्ला हाउस में 20 मई 1971 को कपल ने शादी की। ब्यूरो रिपोर्ट E24।